हेलो एवरीवन आउट देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल मशीन एंड मी। और अगेन आज मैं पहुंच चुका हूँ कोलकाता में, टू बी वेरी स्पेसिफिक, होंडा बिग विंग टॉप लाइन के शोरूम में। और आज इस बाइक के बारे में ढेर सारे बात करेंगे, वो है होंडा की तरफ से न्यूली लॉन्च CV350। तो इस बाइक में ऐसा बहुत सारे चीज है जो आपको CV हाईनेस में या RS में नहीं मिल रहा था, कुछ प्लस है कुछ माइनस है। इसका लुक्स, इसका फीचर्स भी बहुत यूनिक है, तो इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो विदाउट स्किप ये कंटेंट को पूरा देखना, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को मजा ही आएगा। तो ये जो एंटायर रेंज आप देख सकते हो, ये न्यूली लॉन्च CV350 के ऊपर है। आपको दो वेरिएंट में ये बाइक मिलेगा, एक है डीलक्स, एक है डीलक्स प्रो। अगेन आप इस ब्रांड के ऊपर कस्टमाइज कर सकते हो। दो कस्टमाइजर किट आपको मिल रहा है, एक है सोलो कैरियर और एक है कम्फर्ट। तो इस कम्फर्ट वाला जो कस्टमाइज्ड किट है, इसे लेके आप लॉन्ग ट्रिप में भी जा सकते हो। बैक रेस्टर है, रियर में आपको सामान रखने का जगह भी मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए, आपके पास ऑप्शन बहुत बहुत है। और अभी बात करेंगे इसका प्राइस क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल से लुक्स, फीचर, स्पेसिफिकेशन के साथ जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करता है वो है प्राइस। तो अभी इस बाइक का कोलकाता में एक शोरूम प्राइस है 1,99,990 rupees फॉर द डीलक्स वेरिएंट एंड 2,17,800 rupees फॉर डीलक्स प्रो वेरिएंट। उसके बाद आप कस्टमाइज जैसे करोगे उसके ऊपर वो ऐड होता जाएगा। तो अभी बात करेंगे इस ब्यूटीफुल बाइक के बारे में और करेंगे इसके ऊपर बातें, क्योंकि इसका जो कलर है, पर्सनली मुझे पूछो तो बहुत ही प्यारा लगता है। एक बेस कलर है, आपको यहाँ पे बॉटल ग्रीन जैसा कुछ कलर मिल रहा है, यहाँ पे ब्लैक मिल रहा है, वहां पे मरून जैसा कुछ कलर आपको मिल रहा है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें हेरिटेज इंस्पायर्ड डिजिटल एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलेगा, एसिटन स्लीपर क्लच भी आपको मिल रहा है, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल आपको मिल रहा है, होंडा स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम भी मिलेगा। और इसका डायमेंशन है, अगर व्हील बेस के बारे में बात करें तो ये बहुत बड़ा है, 1,441 millimeter। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस है 165 millimeter। कार्ब वेट है 187 kg, जो CV हाईनेस या आप 350 RS दोनों वेरिएंट से ज्यादा है। और इसका सीट हाइट प्रीटी गुड है, 800 millimeter। आपके हाइट जैसा भी हो, आपको चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी बहुत अच्छा है, 15.2 liter। और इसमें आपको एक फ्लॉलेस डिजाइन तो मिल ही रहा है, जिसके लिए इसका चार्म सीरियसली बहुत अच्छा आपको लगेगा। अब जब फिजिकली इस बाइक को देखोगे, मेरे ख्याल से यूट्यूब में या पिक्चर देखे एक बाइक को जस्टिफाई आप नहीं कर पाओगे। बाइक कैसा है उसे फील लेने के लिए आपको शोरूम में आना पड़ेगा, टेस्ट राइड लेना पड़ेगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोलकाता बिग विंग टॉप लाइन का तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में डाल ही दूंगा, अगर आप चाहो तो कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे आके इस बाइक का टेस्ट ड्राइव ले सकते हो। तो शुरू करेंगे फ्रंट से, तो एज यू कैन सी होंडा का ट्रेडमार्क LED वाला फ्रंट हेडलाइट आपको मिलेगा, रेट्रो वाइब देने वाला टर्निंग इंडिकेटर मिलेगा जो अगेन LED का है, बहुत ही मैसिव लुक्स के साथ आने वाला। आपको फ्रंट में एक टेलीस्कोपिक फोर्क मिल रहा है, अगेन ड्यूल चैनल ABS आपको मिलेगा, निफिन का कैलिपर है यहाँ पे, और आप देख सकते हो फ्रंट में 310 mm का डिस्क, ब्यूटीफुल आपको एक एलॉय मिल रहा है। और फ्रंट में आपको जो मिलेगा वो है MRF का 100/90 सेक्शन का 19 inch का एक टायर। तो फ्रंट से इस बाइक का लुक्स कुछ इस तरह का है, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना इस बाइक का लुक्स आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रोम फिनिश ड्यूल हॉर्न आपको मिल रहा है, अगेन लेग गार्ड आपको मिल रहा है इस वाला एक्सरसाइज किट के साथ। नीचे आप देख सकते हो इंजन प्रोटेक्टर मिल रहा है, और क्रोम का बहुत इस्तेमाल हुआ है ड्यू टू दिस क्रोम वाला मेटेरियल, ये लग रहा है बहुत ही क्लासिक। अगर मुझे पूछो तो होंडा ये जो CV350 को लेके आया है, ये रॉयल एनफील्ड को तो एक बहुत अच्छा टक्कर देने वाला है। मेरे ख्याल से एक सॉलिड पंच है फॉर क्लासिक 350, बुलेट 350 बाय होंडा। और ये CV350 अगर आप फिजिकली देखोगे तो सीरियस इसका लुक्स में जो एक चार्म है, इसके दीवाना बन जाओगे। तो आप देख सकते हो इंजन के ऊपर क्रोम है, यहाँ पे क्रोम है, CV350 का लोगो में भी आपको चेंज देखने को मिल रहा है। और ये है इसका स्प्लिट सीट, और रेट्रो वाला वाइब देने के लिए अगेन यहाँ पे एक व्हाइट कलर जैसा एक लाइनिंग इस्तेमाल किया है, और ड्यू टू दिस थिंग ये देखने में लाजवाब लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो रियर में नाइट्रोजन फील्ड ट्विन शॉक हाइड्रोलिक है, 240 mm का डिस्क है, और अगेन
ब्यूटीफुल एलॉय आप देख सकते हो, और रियर में आपको 130x70 सेक्शन का 18 इंच का टायर भी मिल रहा है। हाईनेस के जैसा ही आपको टेल लैम्प मिल रहा है, अगेन एलईडी वाला टर्निंग इंडिकेटर भी आप देख सकते हो। तो ये है इस वाला एंगल से इस बाइक का लुक्स। तो अभी बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, द इंजन। बेसिकली ये जो इंजन है ये एयर कूल फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर प्रोग्राम A5 वाला 348.36 का एक इंजन है। 5500 RPM में 15.5 किलोवाट आपको पावर मिलेगा जो लगभग 20.78 हॉर्स पावर है, और 3000 RPM में 29.4 न्यूटन मीटर टॉर्क भी आपको मिलेगा। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको पीक टॉर्क मिल रहा है ओनली 3000 RPM में। तो आप समझ सकते हो क्या धमाल मचाने वाले हो आप इस बाइक को लेके। और यहाँ पे एक कैच है, कैच क्या है, इसका वेट सीवी हाईनेस से या GPPRS से ज़्यादा है, पर टॉर्क जो है इसका वो टॉर्क 0.6 न्यूटन मीटर कम है उन दोनों बाइक से। और एक बाइक में और एक मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा जो मेरे ख्याल से मेरे चैनल के सिवा और दूसरा कोई आपको बोलने वाला नहीं है, वो है यहाँ पे आपको डायमंड फ्रेम मिल रहा है। हाईनेस में या 350RS में आपको हाफ डुप्लेक्स फ्रेम मिल रहा था, पर यहाँ पे आपको वो डायमंड वाला मिलेगा। तो ये था कुछ बातें। तो अभी देख लेंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, और एज यू कैन सी यहाँ पे इसका प्यारा सा चार्जिंग वाला ऑप्शन, और इसमें तो SNS स्लीपर क्लच मिल रहा है। स्विच गियर का क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत प्रीमियम है। अब जब इसको टच करोगे इट्स बीन नाइस। यहाँ पे इग्निशन का स्विच है, हैजर्ड का स्विच है, यहाँ पे आप बस स्विच, अपर बीम लोअर बीम सब कुछ कर सकते हो। ऑकवर्ड पोजिशन में टर्निंग इंडिकेटर है, एंड अगेन ऑकवर्ड पोजिशन में हॉर्न भी है। और यहाँ पे इस कस्टम किट में आपको इतना बड़ा एक विंडशील्ड मिल रहा है, खैर वो अलग बात है। और ये है इसका ब्यूटीफुल की, इट्स लुक्स वेरी प्रीमियम। और ये है इसका एनालॉग डिजिटल वाला डिस्प्ले। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ दे देगा। ठीक, देखने में सीधे साधा है पर इंफॉर्मेशन ये बहुत प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पे आप एनालॉग में स्पीडोमीटर देख सकते हो, डिजिटल वाला पोर्शन में आप गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, ओडोमीटर, फ्यूल टाइम, ये सारे के सारे चीज आप देख सकते हो। ट्रैक्शन कंट्रोल के बारे में इंफॉर्मेशन है, ABS के बारे में इंफॉर्मेशन है, और आपको तो यहाँ पे खैर होंडा का जो स्मार्टफोन वॉइस कंट्रोल सिस्टम वो भी आपको मिल रहा है। तो ये है कुछ बातें इस बाइक के बारे में। तो अभी एक काम कर लेंगे, इसका साउंड आप लोग को एक बार सुना देते हैं, क्योंकि इसका जो डिजाइन है ये बहुत ही यूनिक है, तो इससे तो एक बार आपको सुनना ही होगा। तो ये था इस बाइक का साउंड जो मेरे ख्याल से बहुत यूनिक है, एक बोल्ड लोकी साउंड मुझे फील हुआ है, जो बहुत रिच भी है, क्योंकि रिच थम्पिंग एग्जॉस्ट नोट मुझे सुनने को मिला है। तो जब इस बाइक का थ्रॉटल को ओपन करोगे ना तो आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड होगे। तो मेरे ख्याल से जो टैग लाइन के साथ होंडा वालों ने इसको लॉन्च किया है, बोल्ड एलोन बोल्ड टुगेदर, वो सही में एकदम परफेक्ट बैठ जाता है इस बाइक का ओवरऑल लुक्स अपीयरेंस, आप बोल सकते हो एपिल से। तो आप लोगों को ये बाइक कैसा लगा, आप लोग क्या समझते हो ये रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को या बुलेट 350 को कितना टक्कर दे पाएगा, वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और मेरे लिए अगर आप लोगों की तरफ से कोई सुझाव है वो भी मेंशन कर देना। तो बहुत जल्द दूसरे के कंटेंट के साथ फिर सब लोग साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए स्टे फैंटास्टिक एंड कीप रेविंग। बाय बाय।